आई होप आपने अपना ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है हमारे लिंक के थ्रू। हमारे लिंक के थ्रू ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन करने पे आपको हमारा सपोर्ट मिलता है और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर नहीं ओपन किया है तो gurutailme.com पे विजिट करो और वहां पे आप ओपन कर सकते हो हमारे लिंक के थ्रू, या आप हमारे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अब हम जानेंगे सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिंग। देखो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको पता होने चाहिए कितने सारे सेक्टर्स होते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। सबसे जो पहला सेक्टर्स होता है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। अब इक्विटी में जैसे कि हम डायरेक्टली शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, टाटा मोटर हो गया, उनके शेयर्स हम डायरेक्टली खरीदते हैं या बेचते हैं जितनी क्वांटिटी हो या जितना प्राइस हो। दूसरा जो हो गया हमारा कॉमोडिटी। कॉमोडिटी में हम गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सारे हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं या बेचते हैं। खास करके हम लोग यहाँ पे फ्यूचर्स पे ही ट्रेड करते हैं, वो हम आगे जानेंगे। तीसरा जो सेक्टर है वो करेंसी का सेक्टर होता है। फॉरेक्स का नाम आपने सुना होगा, फॉरेक्स एक्सचेंज, जैसे USDINR हो गया, JPY INR हो गया, तो इसका हम फ्यूचर या ऑप्शन खरीद सकते हैं। इसके बाद आता है क्रिप्टो, जहाँ पे हम लोग बिटकॉइन या डोगी कॉइन, आपने नाम सुना होगा, तो ये हम खरीदते हैं। तो ये हम लोग बाद में भी जानेंगे फॉरेक्स के बारे में पूरे डिटेल में आने वाले वीडियोस में। और लास्ट हो गया हमारा डेरिवेटिव, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे ये बात है कि जितने सारे सेक्टर्स हैं, इक्विटी हो गया आपका, कमोडिटी हो गया या करेंसी हो गया, इन सारे के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया हमारा इक्विटी SBIN का, यहाँ पे SBIN का हमारा फ्यूचर भी अवेलेबल है। अगर हम ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, CE और PE जो होता है, हम ऑप्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड हो गया, गोल्ड मतलब कमोडिटी का भी फ्यूचर एंड ऑप्शन रहता है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी जो फॉरेक्स होता है, उसका भी ऑप्शन एंड फ्यूचर रहता है। और यहाँ पे बिटकॉइन का भी फ्यूचर या ऑप्शन आप खरीद सकते हो। तो इतने सारे सेक्टर्स होते हैं, और खास करके ये वीडियो सीरीज में हम लोग इक्विटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इक्विटी से ही स्टार्ट करना होता है। ये कम रिस्की रहता है और सीखने में भी आपको मदद करता है। तो हम लोग यहाँ पे इक्विटी पे ट्रेडिंग करना सबसे पहले सीखेंगे। यहाँ पे और भी कुछ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे आप ट्रेड या इन्वेस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, ETF हो गया, बॉन्ड्स हो गए, तो उन सारे की बात हम नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा इक्विटी। ये सेक्टर खत्म होने पे हम कमोडिटी की भी बात करेंगे और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप लोग सीखेंगे। तो ये सारे वीडियोस आप आराम से देखना, वीडियोस को स्किप मत करना। अगर कोई डाउट हो तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो।